आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके का कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता बड़ों को तो पसंद आएगा ही, लेकिन बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और घर में आसानी से मिलने वाले सामान से इसको बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए एक बड़े साइज का आलू लेंगे। इसको छीलकर अच्छे से धो लिया। ये नाश्ता बनाने के लिए बड़े साइज का ही आलू लेना है। मेरे पास इस साइज का आलू है। यदि आप इससे बड़ा आलू लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आप लेंगे कद्दूकस, जिससे चिप्स बनाते हैं, उस साइड से आलू के पतले पतले स्लाइस काट लेंगे, यानी कि चिप्स बना लेंगे। और यदि आपके पास इस तरह का चिप्स बनाने वाला कटर नहीं है तो फिर आप चाकू से भी आलू के पतले पतले स्लाइस काट सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये स्नैक्स बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आलू का ये छोटा पीस बच गया, इसको कद्दूकस नहीं करेंगे। ये देखिए, हमने आलू के पतले पतले स्लाइस काट लिए। आप इसमें पानी डालकर इसको 2 से 3 बार धोएंगे ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए। जब तक पानी बिल्कुल साफ नहीं हो जाता तब तक इनका पानी बदलते रहेंगे। ये देखिए, हमने इनको अच्छे से धो लिया। अब पानी बिल्कुल साफ है। अब इनको छलनी में डाल देंगे ताकि आलू का सारा पानी निकल जाए। अब सारे चिप्स कॉटन के कपड़े पर डाल देंगे। अब कपड़े से हल्का हल्का दबाएंगे ताकि चिप्स का एक्स्ट्रा पानी अच्छे से साफ हो जाए। लेकिन हल्के हाथ से ही इनका पानी पोंछना है। यदि ज़्यादा दबाएंगे तो ये चिप्स टूट सकते हैं। अब इनको फिर से बोल में डाल देंगे। इनमें यदि हल्का हल्का पानी भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसको मिला देंगे। आप इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से भी ये स्नैक्स बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। कॉर्नफ्लावर को भी हल्के हाथों से ही मिलाना है, नहीं तो ये चिप्स टूट सकते हैं। कॉर्नफ्लावर भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें से 3 चिप्स उठाएंगे और इनको हाथ पर रखते जाएंगे जोड़कर। और अब इनको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, हल्के हाथों से फोल्ड करना है इस तरह से। और अब टूथपिक लेंगे, इसको इसमें इस तरह से लगा देंगे। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारे बना लिए। एक आलू में ही बहुत सारा नाश्ता बन जाएगा। और कढ़ाई में तेल हमने पहले से ही गर्म कर लिया, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अब इसमें ये आलू डाल देंगे जो हमने टूथपिक लगा कर रखे हैं। एक बार में कढ़ाई में जितने आराम से आ जाए उतने डाल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद इनको पलट देंगे, गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे। अभी तेल में झाग बहुत ज़्यादा है, जब ये स्नैक्स अच्छे से पक जाएंगे तो ये तेल के सारे झाग ख़त्म हो जाएंगे। इनको लगातार उलटते पुलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। 4-5 मिनट हो गए इनको पकते हुए, इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया और ये क्रिस्पी भी हो गए। अब इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा तेल टिश्यू पेपर सोख ले। ऐसे ही हम सारे स्नैक्स फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए, हमने सारे स्नैक्स फ्राई कर लिए। अब इसमें से ये टूथपिक निकाल देंगे। इस तरीके से टूथपिक को घुमा घुमा कर आराम से निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे ओरिगेनो, थोड़ी सी काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बने हैं ये।
आप इनको चाय के साथ खा सकते हैं या फिर सॉस के साथ। आपको ये आलू के स्नैक्स बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।